सभी किसान भाइयों को और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइवस्टॉक पिक फार्म में आपका स्वागत है। आज जो है हम ये वीडियो रात को शूट कर रहे हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि आज पूरा दिन जो है हमारा हैक्टिक का था, बट छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ली हैं, तो वो हम आपको विजुअल्स में बात करते करते दिखाते रहेंगे। आज हमारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेनिंग के पहले दिन वादा किया था कि हम जो है हर दिन की ब्लॉग आपको डाल के देंगे, आप वो हमारे साथ बहुत पसंद कर रहे हैं, आप बहुत लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उनको इतना प्यार दे रहे हो, मेरे को इतना प्यार दे रहे हो, और हमारे कैंडिडेट्स से आज हम जो है पूरे 4 दिन का और आज का जो है सारा का सारा एक्सपीरियंस लेंगे कि उनको किस तरीके से लगा। कुछ हमारे कैंडिडेट जो है वो दिन में ही चले गए थे, क्योंकि उनको जो है घर जाना था, और इस वजह से जो है हमारे साथ सिर्फ ये कैंडिडेट्स बचे हैं, तो इनसे जो है हम आज सारी की सारी जानकारी लेंगे। तो आप जैसे कि सोनकर जी हमारे को बताएं कि आज जो है हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी, तो 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको क्या लगता है कि 4 दिन में जैसे कि हमने ट्रेनिंग कराई तो आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है? जी सर, हो गया है। आप जो है जैसे अपने अब फार्म को बिना किसी झिझक के और पूर्ण जानकारी के साथ आराम से चला पाएंगे? चला लेंगे सर, अच्छे से चला लेंगे। विपिन जी आप बताएं हमको कि जैसे कि जो है आपने इंजेक्शन लगाए, प्रैक्टिकल्स करे काफी सारे, आज इन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं जैसे आप विजुअल में देख रहे होंगे सारे के सारे कैंडिडेट्स ने, तो इंजेक्शन लगाने में आपको कोई दिक्कत आई और अब आपको लगता है कि आप आराम से अपने छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगा देंगे? बिल्कुल सर, देखो कहा जाता है कि जो मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए, तो इस तरह से जिस तरह से आपने हमें बताया इंजेक्शन का, आपने प्रैक्टिकल हमसे करवाया, तो हम इतने अपने आप को कॉन्फिडेंस हो गए कि हम लोग जो है इस काम को कर सकते हैं। आपको हर चीज बारीकी से बताई गई? बिल्कुल सर, एकदम बारीकी से बताई गई है, जो बाकी जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दो, बाकी हमें जितना भी आपने बताया हमें पूर्ण नॉलेज हुई है। तो मैं आपको यही सर एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जो है अपने तरीके से काम कीजिए और अपने हिसाब से जिस तरह से आप ट्रेनर को ट्रेनिंग दे रहे हैं उस तरह से समझाइए। लोग तो कहते रहते हैं क्योंकि अपनी तुलना किसी से मत कीजिएगा, जैसे सूरज और चांद अपने दम पे चमकते हैं ना, इसी दिन एक दिन आप भी बहुत आगे जाओगे सर, बहुत 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 चमकेंगे सर, बहुत यही कहूंगा सर, लोग तो कहते रहते हैं। तो मोनू जी आप बताएं, जैसे कि जो है आपने पहली बार कैस्ट्रेशन करी, कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण, खस्सी करना सूअर को, आप विजुअल्स में देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से सारे जो है कैस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपके पहले तो सभी कैंडिडेट्स के हाथ भी कांपे, आपके भी कांपे, उसके बाद आपको लगता है अब आपका वो भय, आपका डर दूर हो चुका है? भैया जब शुरू में जब मैं सुनता था देखता था तो इतना ज्यादा सोच के घबराहट सी होती थी, लेकिन आज मैंने जो प्रैक्टिकल किया तो पहली बार तो मैं ब्लेड पकड़ने मेरे हाथ कांप रहे थे, जब आपने बिल्कुल पकड़ के बताया ऐसे ऐसे करना है और मैंने 2-4 से लेके 5 जानवर तक किए तो मुझे बिल्कुल डर खत्म हो गया। मैंने एक जानवर किया उसके बाद मेरा पूरा डर सारा डर खत्म हो गया। पहले इतना डर लगता था कि शायद होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका इतना मोटिवेशन था कि हम लोग कोई डर नहीं रहा भैया। यानी कि आज जो पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग हुई हमें, इससे आज जो भी दिक्कतें थी वो सारी खत्म हो गई, अपने दम पे अब फार्म चला पाएंगे और बाकी जो भी समस्या आई वो उसके लिए तो आप बैठेंगे, उसकी कोई अपने प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सपोर्ट तो इतना किया आपने। ये हमारे 4-5 दिन ऐसे निकले भैया बिल्कुल समझ में नहीं आया, इतना मजा आया, अब बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं हो रही यहाँ से, और जितने लोग चले गए साथ में थे और इतना बेकार लग रहा जाने के बाद, अब मैं भी रात में निकल जाऊंगा तो मुझे भी बहुत बेकार लग रहा आप लोग से अलग होके, अब इसके लिए अब क्या हो सकते हो, ये बाकी तो जाना तो है। देखिए एक ना एक दिन बिछड़ना तो सबको है, पर क्या करे हमारा। लेकिन भैया एक चीज मैं और बोलूंगा कि भैया इतने कम पैसों में इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप डेमो ले लो, मैं बोल रहा बाकी नहीं कर रहा है, जो जितने भी भाई सुन रहे हैं मुझे आप देख लो आके जो बाहर जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कोई गलत कर रहा कोई ठीक कर रहा, लेकिन जैसे हिसाब से मैं भैया का देख रहा हूँ, भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं इतने कम पैसों में, उससे ज्यादा कहीं खिला पिला के बढ़िया अपना छोटा भाई मान के, जो बड़े हैं उनको बड़ा भाई मान के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने से पैसों में इतना अच्छा काम सिखाना और आपका भविष्य बनाना, तो मैं सोचता हूँ कि ये कोई कर ही नहीं सकता। और बाकी अब तो भैया ही है जो है, अब जैसे कि आप वीडियोस में देखा कि जो है हमारे यहाँ पे किस तरीके से डेली हर तरीके से खाने पीने का कैंडिडेट्स का पूरा ध्यान रखा जाता है और हर तरीके से एंटरटेनमेंट का, नॉलेज पे नॉलेज का, टाइम टू टाइम पे हर चीज का रखा जाता है, हमारे कैंडिडेट्स हमें कितना प्यार दे रहे हैं,
वीरेंद्र जी आप बताएं, जैसे कि काफी ट्रेनिंग पॉइंट्स में 10 दिन की 7 दिन की इतनी बड़ी बड़ी डेज की ट्रेनिंग होती है, लोगों के मेरे पास आते हैं कि 4 दिन में हम सबको ट्रेन कर देते हैं, तो पहले दिन तो सबको यही लगता होगा कि जो है 4 दिन में कौन ट्रेन होता है, पर आज 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आपको लगता है कि आप ट्रेन हो चुके हैं, आप अपने फार्म को चला सकते हैं? जी सर, हम चला सकते हैं, क्योंकि यदि गुरु जी ज्ञान दे तो सारा काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने 4 दिन इसीलिए रखे क्योंकि आज के दौर में किसी के पास इतना समय नहीं है, पर फिर भी जो है सोनकर जी, हम जो है 4 दिन में आपको पूर्ण जानकारी दे पाते हैं? 7 दिन वाली के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अब जो है जो 4 दिन में आपने सीखा करा, आपका टाइम बचाया हमने अपना टाइम वेस्ट करके कि पूरा दिन हमने आपको दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो है? नहीं सर, आप बहुत अच्छे से सिखाए, ये 4 दिन तो 1 महीने के बराबर लग रहा है सीखने में, जो आप जो सिखाए 4 दिन में हम लोग बहुत पूर्ण रूप से हर तरह के सीख चुके, जो थ्योरी प्रैक्टिकल जो आप एक एक चीज सिखाए, जैसे आज कैसे करना हम जीवन में ना कभी देखे थे ना कभी किए थे, ये हम तो पहली बार जब बिलेट हाथ मिले हमारा तो हाथ ही कंप रहा था, लेकिन आप एक दो लोग और साथ में साथी भाई सब लोग बताने लगे, मोटिवेशन किए किसी तरह किए, लेकिन दो एक किए डर रहे थे, दूसरा किए बहुत अच्छे से कर ले गए, और सर आपके ट्रेनिंग से बहुत लाभ हमें मिला, हम फार्म जहां तक है कि अच्छे से चला लेंगे आपके ट्रेनिंग देने के बाद में। रही बात काफी हमें जो है फीस के लिए कहा कि फीस बढ़ाई जाए जिस हिसाब से हम जो है रखते हैं, पर वो नहीं है, ट्रेनिंग जो है सिर्फ एक कमाई का साधन नहीं है, मेन जो आपके फार्मर्स हैं उनको आपने नॉलेज देनी है और उनको संतुष्टि होनी चाहिए चाहे वो जितनी कम से कम हो सके, तो इसके अंदर जो है इसलिए हमारी ऑल ओवर इंडिया सबसे कम फीस, सबसे कम टाइम, सबसे ज्यादा नॉलेज, सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है इसीलिए कि ताकि जो है आपको अच्छे से अच्छी चीज मिल सके कम से कम पैसों में, क्योंकि लालच नहीं है हमें, हम ये चाहते हैं कि जो हमसे जुड़ रहा है, जो हमारे साथ हैं, हमारे किसान भाई हमारे साथ ही, वो जो है इस सब चीज को सीख सके, और जो हम वो पैसा लेते हैं वो सिर्फ एक रिस्क कवर करने का और मेरे थोड़े से समय का लिया जाता है। विपिन जी, हम पूरे दिन काम करते हैं, लोगों को सोच में लगता होगा आप भी आए थे तो क्या लगा था आपको कि जो है पता नहीं 4 दिन कैसे बीतेंगे, पर क्या लगता है कि हमने 1 दिन से शुरू किया था 25 तारीख से और आज 28 है, चारों दिन आप देख भी रहे हो हमको, तो 4 दिन कहाँ गए हमारे? सर देखो, टाइम का तो कोई पता नहीं चलता है, हमने पूरा एंजॉयमेंट भी किया है और काम भी किया है, जिस तरह से आपने हमें प्रैक्टिकल बताया उस तरह से हमने किया है आप लोगों की बदौलत से, क्योंकि आज बगियाकरण किया, जहां तक मैंने देखा है बगियाकरण करते समय हमारे आपके जो 2 पशु है वो थोड़े फ्रैक्चर हो गए थे, क्योंकि हम अनट्रेंड बंदे हैं, किसी ने टांग सही से नहीं पकड़ी है, किसी ने मुंह सही से नहीं पकड़ा है, किसी ने कट सही से नहीं लगाया, तो आपका जो नुकसान है वो करीब करीब मेरे हिसाब से 15-20 किलो का बच्चा 4-5 हजार का होगा, तो इसका मतलब कि आप 10-12 हजार का लॉस आपका वैसे ही हो रहा है, तो आप 6,500 रुपए अगर एक कैंडिडेट से ले भी रहे हैं और नुकसान आपका 10,000 का हो रहा है, तो इससे तो मैं नहीं कंपेरिजन नहीं कर पाऊंगा कि आप कितना कमाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि ये वैसे जो भी कमेंट मार रहे ये सब मायने नहीं रखता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप हमें बता रहे सर, इतनी डिलीवरीज आपने कराई मेरे ख्याल से, तो अब आप शायद वीरेंद्र जी आप अपने फार्म पर आराम से डिलीवरी करा सकते हैं। जी सर, आप जो वीरेंद्र जी जो रात रात भर डिलीवरी के टाइम पे जागते भी हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि डिलीवरी में इतने जागने की जरूरत नहीं, पर इनका जो मोटिवेशन है वो काफी अच्छा लगता है और जिस तरीके से सीखते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे को लगता है कि जो है आप हमारी वीडियो देख के काफी एंजॉय करते होंगे, काफी कुछ सीखने को मिलता होगा, और अगर आपको कुछ सीखना हो तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू और भी किसी तरीके से जुड़ सकते हैं, तो आगे अंत में जो है सब एक एक बात जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, आपसे शुरू करते हैं सोनकर जी, आप स्टार्ट करें। सर, हम जो घर से सोच के निकले थे कि जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए विकास भैया के पास, और जो सोच के निकले जो हम घर से सोच के निकले थे कि हम एक सीख कर आएंगे, उससे हम यहाँ बहुत ज्यादा सीखे और उससे बहुत ज्यादा हमें मतलब यहाँ से हर एक चीज मतलब जितना हम सोचे उससे हमें हर चीज ज्यादा ही मिला है यहाँ, जैसे हम सोचे यहाँ खाने पीने का और बाकी सबकी 6,500 रुपए में क्या खाना देंगे, क्या रहने के लिए क्या देंगे, पानी वगैरह कैसा रहेगा, लेकिन सर जो कुछ हमें मिला सब बहुत अच्छे से मिला, खाना भी नंबर ही मिला, पानी भी मिला, रहना खाना हर एक चीज सब नंबर ही मिला सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप हमसे फीस ले वो कुछ भी नहीं, इसके हमें फीस से का लालच नहीं, हमें प्यार चाहिए। नहीं सर, तो हम लोग की तरफ से पूरा प्यार है और जो आपका प्यार मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विपिन जी, सर बस मैं तो अंत में यही कहूंगा कि जिस हिसाब से हम यहाँ रहे तो बहुत अच्छी तरह से हमने एंजॉय भी किया है, बैडमिंटन खेला है,
खेल कूद में भी इंजॉय किया है, खाने में भी देखो कभी पिज्जा पार्टी हो रही है, कभी बर्गर पार्टी हो रही है। इस हिसाब से मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो नहीं सोचता कि कोई ट्रेनर इस हिसाब से ट्रेनिंग दे। और बाकी अंत में यही बात कहना चाहूंगा सर कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वीरेंद्र जी आप बताएं, जैसे कि जो है आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई हो? नहीं सर, जब हम घर से निकले थे तो हमें लगा था कि यहाँ पे माहौल कैसा होगा, किस तरीके से व्यवहार होगा हमारे साथ, क्योंकि ट्रेनिंगों में ज्यादातर ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार होता है जी जी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमें एक घर जैसा माहौल मिला था, यहीं पे रहना सबके साथ। ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि काफी ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें जो है आपको बोर्ड पे या फिर जो है खाली पीपीटी दिखाकर आपको ट्रेनिंग दे देते हैं और फार्म पे एक दिन दिखा देते हैं। पर हमारे यहाँ पे जो है आपको चार के चार दिन फार्म पे रहना होता है, उसमें आप फार्म का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर पाते हैं कि आप उस जगह पे रह पाएंगे या नहीं। मोनू जी मेरे ख्याल से जो है ये बहुत अच्छी चीज शायद हम करते होंगे कि जो आदमी फार्म खोलना चाहता है वो यहाँ पर रहेगा तो ही उसे समझ में आएगा कि वो आगे फ्यूचर में फार्म कर पाएगा या नहीं। भैया मेरा ये सोचना है कि चार दिन में जैसे ट्रेनिंग समझ लो चार दिन आपने आपकी ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग चार दिन एक महीने के बराबर है। मैं एक चीज एक मिनट में एक चीज कहना चाहूंगा, ये चार दिन एक महीने की नॉलेज के बराबर है या एक महीना काटना भारी लगा? ये भैया एक महीने की नॉलेज के बराबर है। ये चार दिन सवेरे 8 बजे से 7 बजे से जो रात के 10-10, 11-11 बजे तक किए और इतना पढ़े, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज ज्ञान और बाकी सब आपके उससे मिला। मैं भैया दर्शकों से मेरा यही कहना है कि जो भी करना चाहता है ये काम, कोई भी काम करना चाहता है उसकी ट्रेनिंग जरूर लें। और दूसरी चीज, अगर ये काम करना चाहते हैं आप तो एक बार किसी भी फार्म पे जाके एक बार भैया के फार्म पे जरूर देखें आपके व्यवहार काम और इनका जो भी जानवरों के पीछे इसका डेट वाइज और जो भी इनका एक एक जो भी जो हम रिकॉर्ड रखते हैं रिकॉर्ड करते हैं वो देखें आपके। इतना बढ़िया सिस्टम है भैया कि बता रहे आप, कुछ ज्ञान नहीं था हम लोगों को, लगता था कि पहले अरे ऐसे ही हो जाएगा फार्म खोल लिए बस पैसा आने चालू हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग जब लिए तो पता चला कि क्या चीज क्या होता है, कैसे होगा, कैसे करना है। लोगों की मेंटालिटी शायद यही होती है कि सुअर के फार्म में करना क्या, सुबह खाना गिर दिया, शाम को खाना गिर दिया और जो है लखपति करोड़पति बन गए। अब जो है आपको रियलिटी पता चली कि कितनी मेहनत कितना काम करना पड़ता है, कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध यही है कि एक बार फार्म आए, चाहे ये आए चाहे कोई भी जाए, मेरे हिसाब से तो एक बार भैया के फार्म आके आप विजिट करें, देखें, कुछ सीखें। मैं बोल रहा 6,500 कोई बड़ी रकम नहीं है, आप तो बता रहा आप खाने पीने में लोग बर्बाद कर देते 6,500। आज 15 दिन में एक महीने में आदमी ऐसे ही खा पी के अलग कर देता, इतने पैसे में आपको इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, आप एक बार अनुभव जरूर लें। मेरा यही दर्शकों से अनुरोध है, चाहे आप कहीं भी लें यहाँ लें, आप एक बार जरूर ट्रेनिंग करें। तो चार दिन तो वैसे ही, मैं सही बताऊं तो हमारे साथ कैंडिडेट के साथ वैसे ही नहीं पता चलता है, उनको नॉलेज देने में, मनोरंजन करने में, उनके साथ जो है बातें करने में, मस्ती करने में चला जाता है। आज जब धीरे धीरे सब गए तो थोड़ा सा जो है दिल को दुख होता है जाते हुए, पर क्या करें, दुनिया का दस्तूर यही है कि एक ना एक दिन सबको बिछड़ना है और दोबारा मिलना है। पर जो है बहुत अच्छा लगा इस कैंडिडेट, इस वाले जो बैच में जो है हमारे कैंडिडेट थे, आपने सबको देखा, सबके साथ जो है आपने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं, आप ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे हमें अच्छा लगता रहेगा। एक जल्दी ही हम एक ऐसी वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर जो है हम कमेंट्स का एक अलग वीडियो बनाएंगे कि जो हमें सबसे प्यारे कमेंट्स लगे तो वो कमेंट्स जो है हम उस वीडियो में शो करेंगे सबको। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे और ऐसे ही हमको प्यार देते रहे, हमारे कैंडिडेट्स को प्यार देते रहे और हम सबको जो है सपोर्ट करते रहे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी नेक्स्ट बैच की ट्रेनिंग में आना है तो नीचे आपको मिल रहा होगा 20 सितंबर से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, 4 दिन की ट्रेनिंग है, 6,500 फीस है, 1,000 रजिस्ट्रेशन, 5,500 ट्रेनिंग वाले दिन, और आप उसको व्हाट्सएप पे बुकिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करें, आपको ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स मिलेंगी। और आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, वो भी आपको रिप्लाई करेंगे। और सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।